अबू ये अच्छा, क्या है? हाँ, ये मैं तो बहुत शौक से खाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, कैसे हैं? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। और क्या यस से हैं? उम्मीद करूंगी मेरे प्यारे बहन भाई ठीक होंगे और क्या यस से होंगे। तो मेरे तमाम देखने वाले भाई बहनों से ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग वीडियो करनी मुकम्मल वॉच और प्यारे प्यार से कमेंट जरूर करनी है। तो जैसा कि इतनी दूर से जो है ना ये आटा लेके आ गई है मलंगनी, तो फिर मैंने आटा ले लिया। क्या हो गया है? वो बिल वाला नहीं था ना तो मैंने आटा ले लिया। अच्छा किया तुमने, अब बगैर बिजली के तुम बैठना। लेना तो मुझे था ना। लेना तो तुम्हें था ना, अच्छा किया तुमने। तो तुम इतना हाँप क्यों रहे हो? हाँ बोलो, शायद थक गए हो। हाँ अरे पहले इंतजार कर करके किसका इंतजार किया था? बिल वाले का। ये तो उड़ उड़ के आ रहा है। हाय हाय, वही चटका। हाँ और तुम बेटे क्या सोच रहे? आज तुम नहीं गए साथ? ये सोच रहा है कि मेरे लिए तुम चीज क्यों नहीं लाई। सच? इसीलिए उदास हो तुम? सुबह से ये गुस्से में है। अब खुश हो? अब सलाम करो। ठीक हो? और हम भी खींच रहे पैसे, ये देखो पैसे सच पकड़ा हुआ है। ओ मुन्ने ये बिल के पैसे थे, तुम्हारी अम्मी आटा उठा के लेके आई है, थोड़ा रहम कर लो। मेरे लिए लाई। हाँ अबू ये अच्छा, क्या है? हाँ, ये मैं तो बहुत शौक से खाती हूँ। ये पालक जो है ना तुम्हारी अम्मी जो है ना बहुत शौक से खाती है। अच्छा तो उसके लिए लाया था, देखो कितना अच्छे से काट के। हम मंधने वाला नहीं बनाते जैसे दाल बनाते पतली सी। हाँ ये वैसे बनाएंगे। इसको बहुत ही पसंद है ना, ये खाती है शौक से। अच्छा आप जमीन पे बैठ के देखो। हाँ, इसके लिए मेरे इसके लिए तो गिफ्ट है ना। अच्छा और वो लहसुन नहीं लाए? धनिया लाया हूँ। अब धनिया भी दो। घुटने भी मेरे जवाब दे गए। किसने कहा था जमीन पे बैठना? तुम्हारी माँ को गिफ्ट तो देना था। अब ये भी जमीन पे बैठ के दो। दस का मिलता है आजकल के दौर में? 20 का है बहन भाई, ये धनिया 20 का है। अच्छा 20 का है, 10 का कहाँ मिलता है? अम्मी काटे भी, अबू आप बैठ के काटे भी। काटे इसको पहले धोया जाएगा? नहीं नहीं धो के काटेंगे। हाँ धो के फिर काटो। अम्मी धो ले, हमें पानी भरो फिर मैं नहीं पहले काट के फिर। नहीं पहले धो दो। नहीं नहीं क्यों नहीं काटी जाती? नहीं धो के छन्नी में। तुम बैठो मैं तुम्हें पट्टा भर के मैं तुम्हें धो के ऊपर काट दूंगा। ठीक है तुम बैठो इधर, टब दो मुझे। तो अब्बू को जी अम्मी ने काम दे दिया है, अभी अब्बू जाना टब को अच्छे से धो लेंगे, फिर इसमें पालक वगैरह जो ना धोएंगे ना। पालक दो, एक गड्डी तुम्हारी अम्मी काटेगी, एक गड्डी मैं काटूंगा। शुक्र है चलो मैं तो नहीं काटूंगी, एक गड्डी आपको। तुम्हारी अम्मी को मंजूर है मेरे साथ काटना? अम्मी अब्बू कह रहा चैलेंज है। हाँ जो जल्दी काटे। वो मंधने वाला बनाएंगे तुम तो ऐसे। तुम यहाँ नीचे बैठ के काटो ना, फिर मैं भी एक साथ काटेंगे ना बैठ के। हाँ अब हाँ ना सामने व्यूअर्स भी देखेंगे ना कौन जल्दी काटता है। चैलेंज है जी हमारा, अब देखते हैं कौन सबसे अच्छा काटता है और कौन जल्दी काटता है। देखो ये सेम है बराबर है, तुम कौन सी ले रही हो? ये वाली लोग भी बोल रहे जो एक साथ काट लेना। नहीं नहीं मुकाबला है तुम दोनों का, तुम्हें मैं ब्याज कम दे रहा हूँ, मैं ज्यादा ले रहा हूँ। चूरी दे दो मुझे, ठीक है चूरी और थाल भी दो, जल्दी करो थाल भी दो जिससे रखूंगा मैं। अब आपको सर्दी लग रही है, आपने स्वेटर पहना हुआ है? हाँ बेटा पता नहीं तबीयत सही है, ठंड लग रही है मुझे इसलिए। थाल किधर गए हमारे पास बड़े बड़े? पानी यानी और भी थे ना तो ये चूड़ियाँ तो कभी मैंने इस्तेमाल की ही नहीं है, तो मुझे हराओगी लग रहा है। तुम अपनी गट्टी उठाओ ना, मैंने अपनी उठा ली। धो के धोगे? नहीं ना हर कोई अपना धोएगा अपना काम। मुझे दो किरण, मैं बेटा ऐसे कर बाद में धोऊंगी। ये चिकन कर रही है, पानी तो उसके पास रखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो तुमने मेरे पे कब्जा कर लिया। मेरे काटना भी भूल गया सीरियसली। ये बड़ी बड़ी काट देना, काट दे काट दे। मंधना मंधना मारेंगे ना किरण, नहीं काटेंगे इतना ज्यादा। छुरी तेज है नहीं,
तुम्हारी तो आदत बनी हुई ना, प्रैक्टिस है। खिला लो खिला लो, अब वो आप लोगों के चैलेंज के चक्कर में ना सारा घर गंदा हो जाएगा। वो दांतों वाली किधर की काली रखी होगी शायद, वो मुझे बताइए। तो जी छुरी तेज है नहीं, पाला कट नहीं रही, अब मुझे लगता है दोनों हारेंगे। छोड़ दो चल, छोड़ दो, छुरी तेज नहीं है, मंदने वाले बनाएंगे, ये पहला लगता है इतनी कटेगी। एक सिस्टर बता रही थी, मैं तो ऐसे तीन वो बड़े बड़े काट के ना उसे वो बना देती हूँ, बारीक भी नहीं काटती। वैसे तो हम वो बनाएंगे ना मंदने वाला, वो मंदने वाली थी, वो कहती है कि मंदना लगाते अच्छी होता है। नहीं अच्छी होती, बारीक नहीं फिर मंदना लगता ना। तो छुरी सही नहीं है, किरण मेरे से भी नहीं काटे जाने। किरण हमारी बेटी को तो छुरी के साथ क्या करती है। मैं क्या करती हूँ, मैं खाना बना के देती हूँ, और क्या करती हूँ। क्या लेके आये हो? चूरा ने मीठा कितने का है? आकिफ आकिफ कितने का है? 10 रुपए हाँ, 10 को 20 बोलते हैं, 20 रुपए। आधा काट लिया, आधा मैंने काट दिया, तो आधे का ये फैसला है। कल जाने आलू पालक बनाएंगे, तो जैसा कि मैंने ज्यादा काट लिया है, इसने जो है ना कम काटा है, और मैंने धोया भी है साथ साथ। छोड़ दो भाई, आलू पालक भी कल बनाने, सारा भी काटोगे तो आलू पालक नहीं बनेगा, छोड़ दो बस, इतना काफी है। आलू पालक में भी कुछ बचना चाहिए। अम्मी हिम्मत करे, हिम्मत करें, ये काट दे। बाप को उठा दिए, माँ बैठी रही, जो मेरा छोटा बना रो रहा है। अम्मी आप नहीं उठ पा रही, पता नहीं क्यों मेरे भी घुटने काम हो रहे, और मेरा वजन भी बढ़ रहा है, आज मैंने डॉक्टर को बोला है। अब पता चला तो मेरे कहने पे यकीन नहीं करती थी ना, कि तुम कहती थी मैं नहीं मोटी नहीं हो रही। मोटी नहीं हो रही। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो बेटा अभी हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जैसे कि ये टेस्ट वगैरह लिख दिए थे, तो ये भी हो जाते हैं, ये टेस्ट वगैरह भी करवाऊंगा। कार्ड किधर है डॉक्टर का? आपको तो दिया है। मुझे तो नहीं दिया। तो ये कार्ड है हमारा अस्पताल का, अभी अस्पताल जा रहे हैं, चेकअप करवाते हैं, जैसा कि मेरी भी टांगों में बहुत तकलीफ है और वीकनेस हो रही है, ये भी यही चीज बता रही है। तो अम्मी भी साथ जा रही है? हाँ दोनों। आराम का क्या होगा? आराम का तुम लोग ख्याल रखना, ठीक है? सो रहा है, झूले में सो रहा है, इसको झूला देते हैं ना, ये सोता रहेगा, ठीक है? अंदर बैठ जाओगे उठ जाएगा, ठीक है? हम लोग डॉक्टर के आज दिखा ले बेटा, तबीयत काफी खराब हो रही है, जैसे कि आज काम पे भी नहीं गया, ठीक है? चले ठीक है। बस करे कपड़े सही करते। तो जी अरहम जो है ना यहाँ पे झूले में सो रहा है, आकिफ यहाँ पे खाना बैठ के खा रहा है, अम्मी जो है ना इसको खाना वगैरह देके गई है। आकिफ खाना खा लो और अपनी मुर्गी जो है ना अंदर ले आओ, ठीक है? मुर्गी भाग जाएगी, बाहर घूम रही है, खाना खा के ना उसको अंदर ले आओ, सही है? ठीक है। तो बहन भाई हम लोगों ने दवाई ले ली है, लेके डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा ये लिख के दिया है। नहीं लिख के तो दिया, क्या बोला है तुम्हें? उसने कहा टेस्ट कराना फिर दिखाना, क्योंकि मतलब जिब बग्गर की बीमारी दोबारा नहीं होगा। तो व्यूअर्स डॉक्टर ने कहा है इसको, जैसा कि जिगर की बीमारी दोबारा हमला नहीं कर रही हो, तो ये CBC का जो है ना दोबारा ब्लड का टेस्ट लिख दिया, ये इसको कल जो है ना करवाना है, और इसको दवाइयां दी, इसको बोला है खून की कमापेशी है। खून की कमापेशी है, उसने कहा है वजन शायद इसलिए बढ़ गया, इसलिए बढ़ गया है, फूल गया ना जिससे, फूल गया। तो मुझे भी जैसा कि डॉक्टर ने दवाई दी है, मैदे की दी है, और कहते हैं आप बड़ी अस्पताल में जाए, डॉक्टर तुमने दवाइयां दोनों की मिक्स कर दी, अब तुम्हें पता चलेगा मेरी कौन सी नाम का पता चलेगा ना। हाँ मेरी थायराइड की बीमारी है ना, ये देखो दवाइयाँ दोनों मिक्स कर दी, मेरी टेप लगाया है ना, मैंने उसको बोला ना, बोला कम दिखाई दीजिए, ये वाला टेप उसने लगा के दिया,
अच्छा। मैंने बोला ना कम दो, एक तो कम देता है गोलियां। मैंने तो शिविर जैसा कि ये दवाई है और ये वाली दवाइयां दी हैं, ये बोला है खाने से 15 मिनट पहले लेनी है और ये नाश्ते से 15 मिनट पहले लेनी है और ये दोपहर के 2 बजे लेनी है। ये क्रम दी है सुबह चूसने के लिए, खून की कमी के लिए। खून वाली तो ये लग रही है। नहीं ये भी है। अच्छा, ये भी खून वाली। हाँ ये भी है, ये सुबह शाम है। ये मुझे भी देते हैं ना। हाँ ये हर दफा मुझे देती है। ये लो बेटा मैं टांग दो मैं बैठ हुआ थक गया हूं, मैं सो ही जा रहा हूं। तो विवेश अब लेंगे आप लोगों से इजाजत, कल मिलेंगे नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये मुन्ना भी आ गया अल्लाह हाफिज करने के लिए।